करेंगे बर्बाडोस T10। कल भी हम लोग बर्बाडोस T10 खेले, वो भी अच्छा गया। आज हम लोगों ने ये T10 खेला था, देख सकते हो सेम टीम मैंने दिया। मैंने बोला थोड़ा रिस्क लूंगा और कुछ बड़ा रिस्क लूंगा, और रिजल्ट भी आपके सामने है। बहुत बड़ा विनिंग भी हुआ यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों ने भी विन किया, सेम टीम से मिलकर प्रॉफिट करते हैं तो बढ़िया लगता है। लेकिन क्लेश तो देखो, सारे यूजर्स को मैंने बोला थोड़ा कम इन्वेस्ट करना ताकि क्लेश ना हो जाए, लेकिन हमारा यूजर्स ये मानता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा, ट्रस्ट हम पे करते हो। चाहे जैसा भी टीम दो, आँख बंद करके आप लोग भरोसा करते हो, रिजल्ट भी आपके सामने है। मेरे भाई कल जो बर्बाडोस T10 का एक मुकाबला कवर किया, रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट आपके सामने है, जैसा भी रहा यानी अच्छा रहा। इनके अलावा दोस्तों आज एक बुरा भी लगा, जहां पर वन साइडेड हम लोग मिनी जीएल भी विन करते हैं। मैंने बताया कि वीडियो में मैं जो बताया हूँ सेम छापो जीएल विन होगा, और बहुत सारे लोग का हो रहा था, लेकिन बीच में बारिश आकर हम लोगों का जो नतीजा ही यानी नैया ही डुबो दिया। क्या करोगे, फंटेसी है, बारिश भी आता है, समझना पड़ेगा। इनके अलावा दीप्ति शर्मा को हम लोगों ने बाय किया, 5 विकेट ले गया, हर जगह से प्रॉफिट। तो मेरे भाई आज तो आज कल भी लगातार 4 मुकाबला हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीनशिप किया, यानी लगातार पिछला देखोगे भगवान की कृपा ही मानेंगे, जो हम लोग का रिजल्ट हर जगह से प्रॉफिट आ रहा है। आप लोग भी यही दुआ करो कि प्रॉफिट आए। जी हाँ मेरे भाई, अगर यदि ये मुकाबला आप भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है ना मेरे भाई, सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे लिंक होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे। ये 55.6K 7K सब्सक्राइबर वाले पे आ जाओगे, बिल्कुल फ्री का फायदा आप उठा सकते हो। तो मेरे भाई कल हम लोगों ने ये मुकाबला खेला था तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सैन ब्रेथवेट यहाँ पर रन आउट हो गया। रिकॉर्ड इनका अच्छा है, डी टी गिब्सन की बात किया, इनका रिकॉर्ड उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हो, विकेट कीपरिंग करता है। जोनाथन ड्रेक्स की बात किया, ठीक ठाक है, और इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर बल्लेबाजी भी करके दिया। कार्लोस ब्रेथवेट जिस तरह के लिए जाने जाते वैसा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी 13 गेंदों पर 21 रन, ठीक ठाक बल्लेबाजी माना जाएगा। और प्रसाउथ की बात किया, पार्ट टाइम गेंदबाजी, साथ में बल्लेबाजी। अब यहाँ से इनकी गेंदबाजी देखोगे, ये 2 ओवर कन्फर्म डालेगा, जे विश्व पे एक स्पिनर है ये भी डालेगा, कार्लोस ब्रेथवेट भी 2 ओवर डालेगा, जे एडमंड भी 2 ओवर डालेगा। अब देखो आई बॉयस और आर प्रसाउथ क्यों 1-1 ओवर डाला, अब यहाँ पर चीज़ों को समझो। ये जो है ना, ये चोटिल हो गया था बल्लेबाजी करने वक्त, इलफिल की बात की जाती, इनके जगह उन दोनों डाला, इनके जगह कोई अन्य गेंदबाज खेलने के चांस है, वो खेलेगा तो वो गेंदबाजी करेगा, वो दोनों नहीं करेगा, याद रखना। इनके अलावा दोस्तों वार के टीम पे भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर है। बल्लेबाजी में देखो इनका विकेट कीपर हार्डवुड की बात की जाए, 9 रन। पेरीमैन ने यहाँ पर 1 रन, खास रिकॉर्ड ने जीएल पर ट्राई करना। एम बेंड छोटा इनिंग खेलता है, ये भी जीएल के लिए बढ़िया है। जोनाथन कार्टर इंटरनेशनल के रूप में आप देख सकते हो, उच्च कोटी का प्लेयर और गेंदबाजी कर रहा था, कैप्टन बीसी का बढ़िया चॉइस रहेगा। केमार स्मिथ, इनसे 1 ही ओवर कई मैच में करवाया जाता है, 2 ओवर करेगा तो इनसे बड़ा कैप्टन बीसी कोई नहीं होगा। कार्लोस ब्रेथवेट से भी मैं इनको ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। गेंदबाजी में देखो गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया है, वर्ल्डेज की बात कर 2 ओवर डालना चाहिए, के स्मिथ 2 ओवर ये भी डालना चाहिए, लेकिन 1 ही ओवर डलवा रहा है क्यों पता नहीं। एंड्रयू मार्शल की बात कर 2 ओवर और बल्लेबाजी भी कर लेता है। यू बैट्सन का कितना ओवर डाले का नाम, उसके 2 ओवर डालेगा तो इम्पोर्टेंट है। जे मोत्रा की बात किया, करियर रिकॉर्ड तो खास है नहीं, लेकिन फिर भी 2 ओवर डाल रहा था, इम्पोर्टेंट मान सकते हो भाई। T10 में 1 ही ओवर में लास्ट के 2 गेंद पे 2 विकेट ले गया, आपका काम खराब कर देगा अगर यदि पिक नहीं किए हो तो। जोनाथन कार्टर गेंदबाजी भी करना स्टार्ट कर दिया तो इम्पोर्टेंट रहेगा, बल्लेबाज तो तगड़ा है ही। इनके अलावा दोस्तों वार का दूसरा देखोगे तो ये नजर आएगा, छोटा छोटा इनिंग सभी ने खेला, बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है। और यहाँ से विकेटों देखोगे, यू बैट्सन ने 1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेटें ले गया, अब इनको दूसरा ओवर नहीं मिला, कोई बता पाएगा? और इनकी टीम हार जाती, इसे कहते हैं T10। इसलिए कितनों भी प्रिडिक्शन मैं कर लेता हूँ, मैक्सिमम मैच मैं भगवान की कृपा से जिताता हूँ, फिर भी मैं T10 को क्यों कहता हूँ, क्योंकि रिस्की ये होता है। एम कमिंस खेलेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। केमार स्मिथ 1 ओवर में 8 रन दिया, 1 विकेट ले गया, फिर भी इनसे 2 ओवर नहीं कराया गया और इसकी टीम हार जाती है, तो ये होता है वेस्ट इंडीज का डोमेस्टिक। जोनाथन कार्टर को यहाँ से आने का कोई जरूरत नहीं था, 15 रन दे दिए। जे मोत्रा की बात कर 1 ओवर में 13 रन दे दिए। सी विलियम्स 1 ओवर में 24, भाई इन दोनों को ओवर पहले कराना चाहिए था, लेकिन मैं कैप्टन नहीं हूँ, हमें राय देने से फायदा नहीं। जोनाथन कार्टर यहाँ पर ओपन आए,
एम बेंड के साथ 24-10 का योगदान दिया, ए होल्डर 10 का योगदान। तो छोटा छोटा इनिंग बल्लेबाजी करना मुश्किल है, लेकिन लास्ट मैच कल जो हम लोगों ने कवर किया वहां पर बल्लेबाजी लोगों ने खुलकर करके दिखाया। इनके अलावा दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, जो इंपोर्टेंट है वो है कॉम्बिनेशन, तो चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। बड़ा सवाल है टी गिब्सन को पिक किया जाए या फिर जे हार्डवुड को, तो दोनों का करियर रिकॉर्ड में जे हार्डवुड का तजुर्बा थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी जोनाथन कार्टर अब एस ब्रेथवेट यहाँ पर अभी ड्रॉप करके चलते, ये टर्निंग पॉइंट होगा कि स्मिथ कार्लोस ब्रेथवेट सारे लोग पिक करेंगे। जे मुत्रा की बात की इनको भी अब ड्रॉप करते, क्या जे इलफिल खेलेगा, खेलेगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इंजर्ड हुआ था बल्लेबाजी करने वक्त, खेलने के चांस कम है। यू बटसन अच्छा गेंदबाजी करे ना करे, लेकिन कैप्टन साहब एक ही ओवर दे रहा, क्यों मुझसे मत पूछो। जे विश्व क्वालिटी स्पिनर है, ट्राई करना चाहिए। सी होल्डर डेथ में भी डालेगा, पावर प्ले में डालेगा, इंपोर्टेंट है। जे इडमंड दो ओवर डाल रहा है, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। जे वर्ल्डेस की बात की जाए, ये भी ठीक ठाक है। ए मार्शल बल्लेबाजी भी कुछ हद तक कर लेता है, यहाँ तक सही है। अब ये दो प्लेयर, दो जो पिक है ना, ये आपको जिता सकता है वन साइडेड या फिर हरा भी सकता है वन साइडेड। अब किनके ऊपर जाना चाहिए, मुझे तो लगा गेंदबाजी अगर यदि करेगा इनकी टीम तो ये दो ओवर डालता है। जे मुत्तारा की बात की, इनको मैं पिक करूँगा। जे इलफिल खेला तो इनको पिक करूंगा, वरना मैं जाऊंगा सीधे बल्लेबाजी पे। जे ड्रेक्स ने लास्ट मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके दिखाया, पिक करना चाहिए, लेकिन करियर रिकॉर्ड पे इस ब्रेथवेट का रिकॉर्ड बढ़िया है। ए होल्डर बुरा नहीं है, ट्राई कर सकते हो, लेकिन जीएल के लिए ज़्यादा बेहतर है। कैप्टन वीसी का कितने सारे च्वाइस है, तो मेरे भाई कैप्टन वीसी के यहाँ पर च्वाइस देखोगे तो दो मैं ऑलरेडी दिया हूँ, और यहाँ से देखा जाए इनके अलावा के स्मिथ भी बढ़िया च्वाइस रहेगा। बाकी गेंदबाज टी10 में हमेशा से कैप्टन वीसी का बढ़िया च्वाइस रहा है, तो इनके ऊपर आप जा सकते हो। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए। आप भी दुआ करो कि ये मुकाबला हम लोगों के लिए अल्ट्रा क्लीनशिप जाए, सारे भाई मिलकर प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए और खेलते रहे डोमेस्टिक प्लेइंग 11 के साथ हमेशा।